हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आयर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज यवस्थी और आज मैं आपके सामने एक और डिमांडिंग टॉपिक लेके आ गया हूँ जिसकी डिमांड टॉपिक वाइज सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट थी दैट इज मिलिट्री मिलट्री एक्सरसाइजेस ठीक है आप देखते एग्जाम में आपको मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर आते हैं तो अभी आप एग्जाम देने वाले होंगे तो जनवरी ट्वेंटी से लेकर मे ट्वेंटी तक जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो मैं एक सिंगल लेक्चर में कवर कर दूंगा और डन मानो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप खुद देखोगे मैंने एकदम पॉइंट फ्रेम में प्रेजेंटेशन बना रखी इसमें आपको ईजी हो चीजों को याद करने में ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारी मिलिट्री एक्सरसाइज कर लेते हैं याद रखिएगा दो क्वेश्चन इस इसी से आने वाले हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि तो कोई भी एक्सरसाइज आ सकती है ठीक है मैंने सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई है वो सारी एक लेक्चर में कन्वर्ट कर दी है ओके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया क्योंकि बड़ी मेहनत से इस पीपीटी को बनाया है वैसे आप पीपीटी को एंड तक भी देखेंगे लेक्चर को एंड तक भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस वीडियो को क्यों लाइक करना चाहिए ओके लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर कोई करंट अफेयर्स की कोई बुकलेट है क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है

हैं और तुरंत व्हाट्सएप करिए याद लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही ये अभी ऑफर में मिल जाएगा तो तुरंत ऑफर अगर आपको चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप करिए और इस बुकलेट को आप तुरंत अपने सॉफ्ट uh, कॉपी में बाय कर लीजिए फिर आप इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा दैट इज़ नॉट ओके चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं देखते हैं कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है लेट्स स्टार्ट ओके बहुत सिंपल सिंपल सबसे पहले लिखा है मेरेटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ट्वेंटी ट्वेंटी आप यहां पर देख रहे सबसे पहले क्वेश्चन आता है किस टाइप की एक्सरसाइज है या कौन सी है? तो पहले दिया मैंने नेवल है, पानी में मैं, नेवल है, एक तो हो गया फिर कौन सी कंट्रीज या इसको कौन कंडक्ट करा ये अगला क्वेश्चन होता है

नेवल या कौन सी एक्सरसाइज है ये पूछ लेते हैं कौन सी कंट्री से कंडक्ट किया है और लोकेशन इसकी क्या है ओके तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के लिए ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज आते हैं दैट इज एक्सरसाइज पूर्वी लहर ट्वेंटी सबसे पहले कौन से टाइप की एक्सरसाइज है नाम से पचर पूर्वील है इट्स नेवल एक्सरसाइज पहला पॉइंट दूसरा कौन सी कंट्रीज या किसने कंडक्ट किया है इसको कंडक्ट किया इंडियन नेवी ने ठीक है सेकंड इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया कहां पर कंडक्ट किया ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में याद रखिए ईस्ट कोस्ट में इसको कंडक्ट किया गया तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखना और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ऐसे ही मैंने आपको सारी एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में कवर करा रखी है चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज़ माते हैं डस्टलिक 2024 ठीक है पहला क्वेश्चन ये एक्सरसाइज़ कौन से टाइप की एक्सरसाइज है इट्स आर्मी एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज़ है आर्मी एक्सरसाइज आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है अब आर्मी एक्सरसाइज है तो दूसरा किस कंट्रीज के बीच में है इंडिया और उजबेगिस्तान आपने उजबेगिस्तान देखा होगा मैप पे देखा होगा ठीक है सेंट्रल एशिया में आता है उजबेगिस्तान कमेंट बॉक्स में मुझे उज्बेगिस्तान की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो देखते हैं कौन कौन सही बताता है तीसरा लोकेशन कहां पर कंडक्ट की गई exercise, है एक्सरसाइज याद रखिएगा तरमेज डिस्ट्रिक्ट जो रिपब्लिक उजबेगिस्तान में जगह है याद रखिएगा तरमेज डिस्ट्रिक्ट जहां पर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है मतलब इंडिया में नहीं की गई है बट उजबेगिस्तान में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है ओके okay? नेक्स्ट आते हैं ये देखिए ए टी जी एम एक्सरसाइज ये क्या है एटी जी एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फेमस एक्साइज बाई न्यूज में भी रही सिक्किम में कंडक्ट की गई है कहां पर कंडक्ट की गई है सिक्किम में अगर आपको दिख नहीं रहा हो मैं आपको बता रहा हूं लोकेशन इसकी सिक्किम थी ठीक है दूसरा टाइप क्या है इट्स एन आर्मी एक्सरसाइज ठीक है कंट्रीज इसको किसने कंडक्ट किया है तो इंडियन आर्मी ट्राई शक्ति कॉर्प जो है याद रखिए उन्होंने कंडक्ट किया इंडियन आर्मी की जो ट्राई शक्ति कॉर्प है उसने ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है ठीक है इसकी लोकेशन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है पूछ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं कि ए ट्रेनिंग एक्सरसाइज ट्वेंटी कहां कंडक्ट की गई तो यू हैव टू मार्क द आंसर दैट सिक्किम ऐसे स्टेट सर्विसेज में बहुत क्वेश्चन आते हैं ओके okay. नेक्स्ट है सागर कवच 2024 नाम से ही पता है सागर मतलब वाटर से रिलेटेड होगी बिल्कुल टाइप इसकी कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है याद देखिए कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है किसने पार्टिसिपेट किया हुआ है इंडियन नेवी ने इंडियन कोस्ट गार्ड ने मेराइन पुलिस ने फिशरीज कस्टम एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उन्होंने मिलकर पार्टिसिपेट किया मतलब तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में कहां हुई है दिस इज इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में आएगा सागर कवच कब देखिए लक्षद्वीप तो लक्षद्वीप बहुत न्यूज में है आपको पता होगा तो लक्षद्वीप में कंडक्ट की गई नोट डाउन करो ये कहा कंडक्ट की गई है लक्षद्वीप में कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है ठीक है कमेंट बॉक्स में मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हो कौन है लक्षदीप का आप मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्या है गगन शक्ति गगन शक्ति नाम से गगन पता चला एयर लग रही है बिल्कुल इट्स टाइप इज एयर एक्सरसाइज ओके ठीक है कौन सी uh, किससे कंडक्ट किया है इंडियन एयरफोर्स ठीक है एयर एक्सरसाइज है तो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है ओके लोकेशन कहा है पोखरण राजस्थान पोखरण सबको पता होगा राजस्थान में है वहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है ओके चले नेक्स्ट एक्सरसाइज बात है नेक्स्ट कौन सी है समुद्र लक्ष्मण 2024 ठीक है समुद्र लक्ष्मण नाम से समुद्र लग रहा मतलब इट्स नेवल एक्सरसाइज ठीक है क्या कौन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इसमें कौन सी कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है याद रखिएगा इंडिया और मलेशिया याद रखिए किस किसके बीच में इंडिया और मलेशिया कमेंट बॉक्स में मलेशिया की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे ओके लोकेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तो अनेक चांसेस बहुत ज्यादा है आपसे पूछ सकते हैं समुद्र लक्ष्मण 2024 ट्वेंटी फोर कहा कंडक्ट की गई इंडिया में विशाखापट्टनम में कंडक्ट की गई इसलिए क्वेश्चन आ सकता है याद रखना है ओके okay? नेक्स्ट आता है सी डिफेंडर ट्वेंटी दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सी डिफेंडर पहले ये ज्वाइंट मेरेटाइम एक्सरसाइज है ठीक है तो ज्वाइंट मेरेटाइम तो कौन दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया

भारत शक्ति 2024 है ना प्राइम मिनिस्टर खुद एडेंड की थी उन्होंने इस एक्सरसाइज को ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है मतलब तीनों हमारी जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स है कंबाइंड एक्सरसाइज है ओके किस कंट्री से पार्टिसिपेट किया या किस ने कंडक्ट किया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ठीक है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कंडक्ट किया और कहां हुई पोखरण राजस्थान पोखरण सुनते ही आंसर आपको क्या लगाना है दैट इज पोखरण राजस्थान तो ये भी बहुत न्यूज में रही मेरा मानना है तो ये एग्जाम्स में आपको देखी जाएगी एग्जाम में पूछी जाएगी मैं स्था लगा रहा हूं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड किया तो थोड़ा सा न्यूज में आ गई थी एक्सरसाइज ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट कौन सी है दैट इज एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 24 फोर याद एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 24 फोर ओके okay, तो पहली बात ये एक्सरसाइज है कि नेवल एक्सरसाइज है याद रखना कौन सी एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज है कौन किससे कौन कंट्रीज पार्टिसिपेट करी बहुत से कंट्रीज पार्टिसिपेट करी सिक्सटीन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इंडिया भी पार्टिसिपेट करी दैट इज वाई इज इंपॉर्टेंट तो कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जो है उसे पार्टिसिपेट किया कहाँ पे हुई है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कभी आप जाना अगर आप मैप देखते हो या देखिए इंडियन ओशन का तो आपको सिचिल्स एक कंट्री दिखेगी बड़ी आइलैंड नेशन है बड़ा ब्यूटीफुल है कभी आपका टाइम हो तो जरूर जाइएगा सिचिल्स ओके पोर्ट विक्टोरिया सिचिल्स में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई तो है तो इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज भी याद रखिएगा पूछे आने के चांसेस इसके भी ज्यादा है ओके okay? नेक्स्ट है नेक्स्ट है याद रखिएगा लेमिटाइट 2024 ठीक है सबसे पहले तो लिमिट आई कौन सी कंट्रीज के बीच में तो अभी मैंने सेचल्स बताया तो इंडिया और सेचल्स की ही एक्सरसाइज है पहली बात तो ठीक है बट इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज इट्स अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ठीक है और ये कंडक्ट की गई ये भी कंडक्ट की गई तो आप देखिए अभी मैंने दो एक्सरसाइज आपको बताई दोनों ही सेचल्स में बट ये इंडिया और सेचल्स के बीच की एक्सरसाइज है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है इसके भी चांसेस थोड़े ज्यादा हैं एग्जाम में आने के ओके नेक्स्ट है टाइगर ट्रंप 2024, टाइगर ट्रम्प 24, एक्सरसाइज का नाम है ठीक है ये कंडक्ट की गई है पहले किस कंट्रीज के बीच में बता देता हूं इंडिया यूएस बायलेटरल एचएडीआर एक्सरसाइज मतलब कहेंगे एचएडीआर मतलब क्या टाइप का एक्सरसाइज है एचडीडी या एचएडीआर मतलब एचएडीआर मतलब है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज आपको पता है डिजास्टर्स आते रहते हैं इतने सारे उसी को देखते हुए एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है एचएडीआर ओके okay. और इसकी लोकेशन आप देखेंगे इंडियन ईस्टर्न सी बोर्ड मतलब आप देखें वेस्ट बंगाल से नीचे तमिलनाडु तक आ जाएंगे वेस्ट ईस्टर्न सी बोर्ड है इंडिया का जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है तो याद रखिए अच्छा डिजास्टर रिलीफ की एक्सरसाइज है ठीक है इंडिया और यूएसए के बीच में दैट इज मोर इंपॉर्टेंट द एक्सरसाइज इज बिटवीन विच टू कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड यूएसए ओके नेक्स्ट है आई एम टी एक्सरसाइज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आई एम टी बिल्कुल ये तीन कंट्रीज के नाम है मैं बता दू आई फॉर इंडिया एम फॉर मोजाम्बिक और टी फॉर तंजानिया तो तीन कंट्रीज है इसमें यह याद रखना आई एम टी ठीक है इच्छा ट्रायलिटर एक्सरसाइज आपको दिख रही होगी तीन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है ट्रायलिटरल एक्सरसाइज है और ये कहाँ हुई है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा नकाल मोजैम्बिक में नकाला मोजैम्बिक में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इम्पॉर्टेंट है ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है बहुत सिंपल ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ आई होप यहाँ तक आप पहुंच गएगे थोड़ी देर और चलेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी सोचिए आपने पिछले पांच महीने की सारी एक्सरसाइज आप कर लोगे तो एग्जाम में आपको हेल्प कर जाएंगी ओके नेक्स्ट है गगन शक्ति 2024 नाम से गगन शक्ति मतलब क्या होगी एयर फोर्स एक्सरसाइज ठीक है किस कंट्री किससे कंडक्ट किया इसको इंडियन एयर फोर्स ने कंडक्ट किया है ठीक है कहां पर पोखरण राजस्थान तो आप देखिए गगन शक्ति पोखरण राजस्थान ओके चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज बात है नेक्स्ट कौन सी है वायु शक्ति 24 फोर अगेन वायु मतलब एयर तो अच्छा एयर एक्सरसाइज ठीक है किससे कंडक्ट किया इंडियन एयर फोर से कंडक्ट किया कहां पे हुई है पोखरण एयर ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर याद रखिएगा पोखरण अगेन दैट इज एट राजस्थान तो पोखरण राजस्थान दैट इज पूरा मैं डिटेल में लिख रहा हूं पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर में ये एक्साइज कंडक्ट की गई है तो इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हैं बहुत सारी एक्सरसाइज राजस्थान में कंडक्ट की जा रही है ओके नेक्स्ट है एक्सरसाइज मिलान ट्वेंटी कहेंगे मिलान 2024 इसमें एक कंट्री नहीं है बहुत सारी कंट्रीज की नेवी पार्टिसिपेट करती हैं इंडियन नेवी अलोंग विद फिफ्टी अदर कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट करी मतलब बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इट्स अ नेवल एक्सरसाइज ठीक है तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट किया क्वेश्चन ये आएगा एक्सरसाइज कहां कंडक्ट की गई क्योंकि कंडक्ट की गई है इंडिया में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में दैट इज वायर दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एक्साइज ट्वेंटी फोर कहां कंडक्ट की गई यू हैव टू मार्क द आंसर दैट इज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ओके नेक्स्ट आते हैं ट्रायलिटर एक्सरसाइज इसका नाम है दोस्ती सिक्सटीन ट्रायलिटर मतलब तीन कंट्रीज हैं मैं तीन कंट्रीज बता देता हूं इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव आपको पता होगा मालदीव आजकल बहुत डिमांड कर रहा है कि इंडियन टूरिस्ट वहां पर आए तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रहती है इंडिया श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में ये इट्स अ नेवल एक्सरसाइज अगेन अ नेवल एक्सरसाइज है जो कि मालदीव्स में अभी कंडक्ट की गई है तो न्यूज़ में तो उस टाइम पर इतनी टेंशन चली थी बट ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है ओके नेक्स्ट आते हैं हम धर्मा गार्जियन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर धर्मा गार्जियन बहुत फेमस एक्सरसाइज है इट्स अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज है किसके बीच में इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज है कंडक्ट कहां की गई राजस्थान में याद रखिएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में जहां पर ये एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में पे कंडक्ट की गई अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ओके नेक्स्ट आते हैं ट्वेंटी फोर याद रखिए डेजर्ट साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंपॉर्टेंट है इट्स अंट आर्मी एक्सरसाइज ठीक है किन दो कंट्रीज के बीच में इंडिया और यूएई यूएई आपने सुना होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे यूएई की कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दूं देखता हूं कौन कौन मुझे सही यूएई की कैपिटल जो है वो मेंशन करते हैं ओके लोकेशन कहा हुई है महाजन या देखिए राजस्थान वही मैंने बताया फील्ड रेंज जो है महाजन वहां पर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई डेजर्ट साइक्लोन ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन ट्वेंटी दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सी ड्रैगन सबसे पहले ये एक्सरसाइज इस है मल्टी नेशनल एक्सरसाइज मल्टी नेशनल मतलब बहुत सारे नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे कि इंडिया है जापान है साउथ कोरिया है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हो कहाँ पे कंडक्ट की गई है याद रखिएगा अगर आप पैसिफिक ओशन देखते हैं मैंने मैप बना रखा है आप वैसे आपके लिए ये पैसिफिक ओशन है यहाँ पर आपको गुआम आइलैंड्स दिखेंगे ऑफ कोर्स चाइना के पास आपको दिख रहे होंगे इसलिए एक्सरसाइज को यहाँ कंडक्ट भी किया गया है गुआम आइलैंड्स आपको दिखेंगे जो कि यूएसए का पार्ट है ओके और ये गुआम यूएस आइलैंड टेरिटरी है पैसिफिक ओशन है मैंने अभी आपको बताया वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है जहाँ पर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंपॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज की गई है ओके नेक्स्ट आते हैं दैट इज एक्सरसाइज अयोध्या 2024 ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अयोध्या सबसे पहले पूछा गया किन दो कंट्रीज की एक्साइज है इंडिया और थाईलैंड ठीक है दूसरा इसका टाइप क्या है इट्स अ नेवल एक्सरसाइज ठीक है कहाँ कंडक्ट की गई है बे ऑफ बंगाल में और आपने देखा होगा ये आपका रेबियन सी है या आपका बे ऑफ बंगाल है सो बे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इसी एक्सरसाइज के साथ एक और एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड की जो है वो पैलली एक्सरसाइज अयोध्या के साथ की गई है उसका नाम है याद रखिएगा दैट इज इंडिया थाई कॉर्पेट 2024 ठीक है ये थर्टी सिक्स एडिशन था इंडिया थाई कॉर्पेट 2024 का इसका फुल फॉर्म है इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज जिसको आप इंडिया थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज भी कहते हैं जिसका थर्टी सिक्स एडिशन था मैंने अभी आपको बताया ये जो अभी एक पहली बार हुई एक्चुअली एक्सरसाइज अयोध्या ओके अयोध्या मेड एन थी पहली बार इंडिया और थाईलैंड ने एक्सरसाइज अयोध्या की उसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई है तो दो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं एक साथ कंडक्ट की गई है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ओके okay, चलिए तो दो एक्साइज इंडिया और थाईलैंड की मैंने आपको बता दी है नेक्स्ट है एक्साइज है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है बाई इंडियन आर्मी ठीक है तो एक आर्मी एक्सरसाइज है ये ओके रिमेंबर इट्स एन आर्मी एक्साइज और कहां कंडक्ट की गई महाराष्ट्र स्कूल ऑफ आर्टरी एट देवलाली याद रखिए तो महाराष्ट्र में याद रखिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछी जा सकती है ओके नेक्स्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज स्टेड फास्ट डिफेंडर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ये न्यूज में भी थी स्टेड फास्ट डिफेंडर पूछा है सकता आपसे स्टेड फास्ट डिफेंडर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर यह एक्सरसाइज पहले बता देता हूं लार्ज स्केल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इसमें ठीक है अब पूछेंगे सर कौन सी कंट्रीज की मिलिट्री पार्टिसिपेट करती है इस एक्सरसाइज में मैं बता दू जो नाटो के मेंबर्स हैं ठीक है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बता दू नाटो में टोटल कितने मेंबर्स हैं चलो आप मुझे बताओ मैं आपसे क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है ठीक है मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं आपको मुझे बताना नाटो में एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं ऑप्शन हैं थर्टी थर्टी वन या थर्टी टू यह तीन ऑप्शन हैं आपको मुझे बताना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो में एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं इसमें याद रखिएगा और ये भी बताना है जो अभी नाटो में लेटेस्ट मेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में ऐड हुआ है ठीक है वो कौन सा है मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको स्वीडन ठीक है दूसरा मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं इंडिया और थर्ड ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको चाइना ठीक है तो आपको मुझे बताना है इंडिया चाइना स्टूडेंट में से लेटेस्ट मेंबर कौन सा नाटो में ऐड हुआ ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स बताएं, क्योंकि 2024 में बताएंगे न्यूज में था कहां पर कंडक्ट की गई है ट्रांस एटलांटिक रीजन जो है याद ट्रांस एटलांटिक रीजन जो है एटलांटिक जो पार्ट है वहां पर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है ओके नेक्स्ट है साइक्लोन 2024 एक्सरसाइज इट्स अ सेकेंड एडिशन याद रखिएगा साइक्लोन एक्साइज अभी आपने डेजर्ट साइक्लोन पढ़ा कंफ्यूज मत होना ये साइक्लोन एक्साइज है जो कि सेकेंड एडिशन थी सेकंड टाइम भी एक्साइज हुई है और ये इंडिया और इजिप्ट के बीच की एक आर्मी एक्सरसाइज है या देखिए इंडिया इजिप्ट की आर्मी एक्सरसाइज है जो कि इजिप्ट में याद देखिएगा अंशास इजिप्ट में जगह है जहां पर ये एक्साइज कंडक्ट की गई है ठीक है अभी इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं ठीक है थीके? या देखिए वो वैसे तो रीअपॉइंट हुए वापस वही बन गए हैं कमेंट बॉक्स में बताओ इजिप्ट के न्यू प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए उनका नाम क्या है जो लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे ओके नेक्स्ट आता है खंजर 11th एडिशन एक्सरसाइज है 2024 खंजर 2024 इधर पूछा है कौन सा एडिशन की एक्सरसाइज है 11th एडिशन किसके बीच में इंडिया और के से खंजर तो याद रखिएगा दैट इज किर्गिस्तान ओके याद याद कर सकते हो ठीक है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है

ने पार्टिसिपेट किया डेजर्ट नाइट 2024 में ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखिए दैट इज सदा ये एक फर्स्ट एक आर्मी एक्सरसाइज है याद इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच की आर्मी एक्सरसाइज जो कि राजस्थान में कंडक्ट की गई मैंने आपको बताया ना सारी एक्सरसाइज एक लेक्चर में लेके आए उससे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वायु शक्ति ट्वेंटी नाम से पता चला वायु मतलब क्या है थिंक ये रिपीट हो गई है मेरे से दोबारा कोई बात नहीं वायु वायु शक्ति एक्साइज याद रखिए इंडियन एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया ठीक है आई थिंक रिपीट है कोई बात नहीं एक बार रिपीट हो जाती कोई चीज तो देख लेना ठीक है इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की और पोखरन एयर ग्राउंड रेंज जैसल में राजस्थान में याद देखिए एक्सरसाइज कंडक्ट की गई अभी मैंने इसको डिस्कस भी किया कुछ देर पहले ही ओके है ना आगे देखें सहयोग

एक सिंगल लेक्चर में कवर कर दिया आप सोच रहे सर ये आपने एक्सरसाइज कवर कर दी इससे ही आएगा बिल्कुल इससे आएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ये एक्सरसाइज को आप पढ़ के चले जाना और ये बुकलेट आप ले लेना तैयार इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी प्लस आपको जो मेरे याद है पूरा करंट अफेयर्स है पूरा आप देख रहे होंगे दैट इज जून 2023 से लेकर मई 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स एक जगह मिल जाएगी लेट मत करो अपने पे इन्वेस्ट करो अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो देखो मैंने सारी चीज़ें पॉइंट फ्री में बताइए इसमें आपको ईजी हो चीजों को याद करने में वरना डिटेल में लोग पढ़ाते रहते हैं इसको और आप एक ही एक्सरसाइज को एक लेक्चर में कराते हैं मैंने सारी एक्सरसाइज भाई पिछले पांच महीने की एक्सरसाइज एक लेक्चर में करा दी है ओके वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें इस बुकलेट को ऑर्डर करने के लिए तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो याद रखिएगा आपको ये बुकलेट जो है याद रखिए सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा प्रिंट आउट करा लेना और फिर आपको लाइफ टाइम आप सोचोगे सर जून जुलाई अगस्त ये जो आने वाले इसका करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करोगे बिल्कुल सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा मैं आपको एक ड्राइव प्रोवाइड करूंगा जहाँ पर हर चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ लेक्चर आता है उसकी पी डी पर आ जाती है तो कितनी अच्छी बात आपको पुराने भी मिलेंगे आगे भी मिलेंगे सारी चीज़ आपका रिविजन होगा तो मौका मत छोड़ो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ ठीक है याद देखिए अगर आप हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये हमारा क्यू कोड है इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वॉन्ट टू मेक द कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं भी करते हो कोई बात नहीं आप वीडियो को लाइक कर सकते हो प्लस इस नोट्स को जरूर ले लेना मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स को क्योंकि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ओके याद रखिए अगर आपको अदर सब्जेक्ट से नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स को छोड़ के पॉलिटी जोग्रफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स मॉडर्न हिस्ट्री ये सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं आप अगर व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं भी करते हो याद रखिएगा ये पॉलिटी के हैं फॉर एग्जाम्पल तो आप क्या कर सकते हो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो ठीक है आप सोचो सर व्हाट्सएप पर क्यों मैसेज करें एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप को डाउनलोड करो वहां से भी आप करंट अफेयर्स के नोट्स क्लासेस जो हैं वो बाय कर सकते एप्लीकेशन का नाम क्या है देवशीष क्लासेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, वहाँ पर आपको के साथ -साथ हमारी भी हो जाएंगी हर सब्जेक्ट्स की तो आपको अगर आप जनरल चाहते हो पॉलिटिक्रफी हिस्ट्री ये सारी क्लासेस भी वहाँ पर एक बार ऐप को डाउनलोड करके जरूर विजिट करना प्लस जनरल स्टडीज की तो का कोर्स भी वहाँ पर मैंने बना रखा है यूपीएससी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं याद रखिएगा वन ईयर टू ईयर लाइफ टाइम के साथ कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक बार आप एप्लीकेशन को जरूर जाएं। वहां पर आपको सारी देखने को मिलेगी और को एग्जाम कोई को है, मेरा है, आप उसमें भी कर सकते हैं व्हाट्सएप जरूर करिए अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट्स को अगर आप लेते हैं, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी तो यहां पर लेक्चर पसंद और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए बहुत मेहनत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट्स में बनाकर लेक्चर आपके सामने लेके आता हूं इसमें कम टाइम वेस्ट हो और आपको ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाए ओके तो ऐसे लेक्चर्स के लिए आपको जरूर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उनको भी कमेंट करिए और कुछ बताना चाहते हैं कमेंट बॉक्स ओपन आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं ओके सो अब यहां पर चलते हो फर्स्ट टाइम चैनल में आए हो ना तो एक बार चैनल को विजिट करो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा चैनल आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो नोटिफिकेशन का बटन दबा दो जिसमें आपको जो भी हमारे लेक्चर्स आएँ उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए तो चलते अब यहाँ पर थैंक यू एवरीवन जय हिंद